पहले गर्भवती महिला का किया ऑपरेशन, फिर मांगे 2 लाख की फी, नहीं देने पर जच्चा बच्चा को बना लिया बंधक। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला चतरा के MG नर्सिंग होम में सामने आया है। भला हो सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली का, जिन्होंने मामले की जानकारी होते ही इसमें हस्तक्षेप करते हुए नर्सिंग होम पहुंचकर जच्चा बच्चा को वहां से सुरक्षित निकालकर उसे घर भिजवाया। इधर घटना से आहत पीड़िता के पति मंटू कुमार दांगी ने सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम नंदन सिंह को आवेदन देकर वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए नर्सिंग होम संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, उनके बारे में एक कम्प्लेन आया है और जो कम्प्लेन आया है उसके मुताबिक ये घटना बहुत अमानवीय है। हम लोग उसकी जाँच कर रहे हैं, जाँच करने के उपरांत उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के पकरिया गांव निवासी सुषमा देवी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। इसी दौरान वह देवरिया बाईपास रोड में संचालित MG नर्सिंग होम के एक दलाल के चक्कर में फंसकर नर्सिंग होम पहुंच गई, जहां नर्सिंग होम की संचालक जो BEMS यानी बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी डिग्री धारक है, जबकि डॉक्टर पूर्णिमा सिन्हा खुद को स्त्री रोग विशेषज्ञ न सिर्फ बताती हैं, बल्कि बोर्ड और अपने लेटर पैड पर भी उन्होंने यह डिग्री छपवा रखी है। ऐसे मुन्ना भाई टाइप डॉक्टर ने आनन फानन में महिला के परिजनों को तुरंत ऑपरेशन नहीं किए जाने पर जच्चा बच्चा को होने वाले कई प्रकार के खतरे का भय दिखाकर ऑपरेशन कर दिया। फिर क्या था, डॉक्टर साहिबा ने ऑपरेशन के बदले परिजनों से 2 लाख की राशि की मांग कर डाली। इस पर सुषमा के पति ने कहा कि उसके पास 20,000 रुपए ही हैं। डॉक्टर साहिबा ने ऑपरेशन के बाद उससे पहले 20,000 ले लिए और बाकी के 1,80,000 रुपए लाने को कह दिया। सुषमा के पति ने इतने रुपए की व्यवस्था करने में असमर्थता जताई तो डॉक्टर ने जच्चा बच्चा को नर्सिंग होम में ही बंधक बना लिया। काफी मिन्नत करने के बाद भी उन्होंने जच्चा बच्चा को नहीं छोड़ा, बल्कि कुछ दबंग लड़कों को बुलवाकर परिजनों की पिटाई भी करवा दी। ऐसे में सुषमा का पति भागकर सदर थाना पहुंचा और थाना इंचार्ज को सारी बातें बताई। थाना प्रभारी दलबल के साथ नर्सिंग होम पहुंचे और जच्चा बच्चा को घर भिजवाया। इस मामले में डॉक्टर पूर्णिमा सिन्हा का पक्ष लेने के लिए फोन किया गया तो उनके पति ने फोन उठाया और मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मेरा पेट दर्द होने लगा तो मेरा परिवार लोग लेके गए हॉस्पिटल, तो वहाँ पर पूर्णिमा मैडम ऑपरेशन कर दी। उसके बाद फिर पैसा 2 लाख रुपया मांगने लगे, तो पैसा नहीं था तो 20,000 रुपया दिए। उसके बाद फिर वहाँ से छुट्टी मांगने लगे तो उन्हें देने लगी, तो फिर मेरा परिवार लोग गए थाना से 2 गाड़ी फोर्स लेके आए, उसके बाद छुट्टी करके यहाँ ले लाए। न्यूज विंग के लिए चतरा से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। टफॉन XT600 HCR TNT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।